ये बिजनेस जो है मैंने ऐसे समझा था, ये मोमेंटम बनाने का, और मोमेंटम अगर एक बार बन गया तो वो बना रहना चाहिए। महापुरुष जी शुरू से एक स्टोरी सुनाते थे और वो मेरे बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई कि अगर एक ट्रेन है और उसका इंजन है बहुत ही पावरफुल है, हेलो कितना ही पावरफुल इंजन है लेकिन खड़ा हुआ है और उसके सामने आप इतनी सी एक दीवार लगा दो, क्या वो चल पाएगा? नो। खड़े हुए इंजन के सामने एक छोटा सा रोड़ा भी उस इंजन को आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर वो ट्रेन पूरे मोमेंटम में मतलब 100 की स्पीड में दौड़ रही है, हाँ जी, उसके बाद आप इतनी मोटी दीवार बना दो उसके सामने, कितनी उड़ा देगी भाई, क्या रुक जाएगी ट्रेन उससे? क्या करेगी उसका? कारण क्या है? ट्रेन तो वही थी, पावर उतनी थी, लेकिन वो पावर जो है पहले क्या थी, मोमेंटम में नहीं थी, वो एक ही जगह स्टोर थी। और जब मोमेंटम आ गया तो उसके बाद कितनी भी बड़ी आप उसके सामने रोड़ा बना दो, कितनी भी बड़ी दीवार लगा दो, उसको उड़ा देगी। यही टीम का रहता है। टीम के अंदर मोमेंटम क्रिएट करने के लिए दम लगानी पड़ती है। वो महागुरु जी लोगों ने दम लगा करके आज टीम को मोमेंटम पर लेकर के आए। और हमारा काम क्या है? बस तेल पानी चेक करते रहना, मोमेंटम तो बना हुआ है। हेलो, रोड़ा नहीं मिलना उसके लिए। जब भी बारी आती है अपने आप को और अपनी टीम को, ये सबसे बड़ा सफलता का मंत्र है। जिस किसी भी मीटिंग में, किसी भी प्रोग्राम में जिसके बंदे सबसे ज्यादा बैठेंगे, समझ लो उसकी टीम का बेहतरीन मोमेंटम बना रहेगा। और जिसकी टीम का बेहतरीन मोमेंटम बना रहेगा उसके सामने टारगेट आ जाए, रैंक आ जाए, लेवल आ जाए, लेवल की पूंछ आ जाए, वो सब उखाड़ के फेंकेंगे। हाँ कि ना? और महागुरु जी के आशीर्वाद से 25 दिसंबर से ही इस टीम का गजब का मोमेंटम बना रहेगा। मतलब आपका तो आपका क्या, मतलब पूरी रॉयल ट्रीमस टीम का ही बना हुआ है। महागुरु जी जब वहां आए वहीं से उसी दिन नारा दे दिया गुरु जी ने, आरंभ है प्रचंड। तो कई जगह जाते होंगे, हो सकता है महागुरु जी देखते होंगे कोरोना आए, खांसी खुर्रा लगे हुए हैं, लोग मास्क वास्क में घूम रहे, उधर देखा तो वहां पूरा एकदम जलजला था, बोले कहां कोरोना। और दूसरे दिन जलजला का भी पापा था, पहले दिन तो हम भी डर रहे थे कहीं गुरु जी ने कहीं इतने लोग क्यों भर दिए, फिर गुरु जी ने कहा ओम दो, अब रे दूसरे दिन 700-800 फालतू बिठा। मुझे लग रहा है कृष्णपाल जी की टीम की साठगांठ कृपा भाई से भी है, ये भी तुम लोगों के रंग भी रंग जाते हैं। बोले यार चीजें इतिहास होता है, इतिहास लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं? तो इतिहास को क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अगली आने वाली पीढ़ियां उसे दोनों तरह के सबक सीख सके। इतिहास में ऐसी क्या गलती हुई जिसे अगले वाले को दोहराना नहीं है, और इतिहास में क्या ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिनको हर आदमी को दोहराना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? इसी के लिए इतिहास लिखा जाता है, यस या नो? और आज भी महागुरु जी के माध्यम से सन 2003 से लगातार सेफसॉफ्ट कंपनी के अंदर इतिहास लिखा जा रहा है। और उन इतिहास के पन्नों में से आज कौन से पन्ने खुल जाए ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हेलो, न जाने किसको क्या बात क्लिक हो जाए। हेलो, महागुरु जी की ट्रेनिंग लेकर गई तो महागुरु जी विजयपाल सर मोटिवेट हो गए, इनकी सटक गई, सरकारी नौकरी छोड़कर ना कोई मजाक बात है क्या? मैं इतने सारे लोगों को मोटिवेट करते वो भी मास्टर की है, मास्टर की सरकारी नौकरी नहीं, देखो डायमंड बनना संग चलन दो उसको भी, डिस्टर्ब मत करो। लेकिन गुरु जी की तो मेरे को लग रहा सटक गई इनकी तो एकदम, और सटक गई तो बढ़िया रहे नुकसान में रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक एक हफ्ते के 33 लाख के चेक आ जाते, तो
तो सत्कार में फायदा ही रहा। मेरी भी सटक गई, मैं भी साहब लीटर पौवा फावड़ा वगैरह सब थोड़ छोड़ छाड़ के भाग गया। मेरे बाद जो आए जो भी थे जिन पर लाल बहादुर शर्मा जी चुनरी गोली जो उन पर थे वो सब छोड़ छाड़ के आ गए। कृष्ण पाल जी अपने साहब वो जो भी कोटा सोटा जो था सब छोड़ छाड़ के आ गए। लाइन लगी पड़ी है इसी तरीके से देवेंद्र जी डॉक्टर संजीव जी और तो और दूसरी तरफ भी जाकर के देखोगे पूरी लाइन लगी पड़ी है। उधर भी सरकारी नौकरी वाले सब एक तरफ से चाहे शैलेंद्र जी हो विकास जी हो चाहे राहुल जी हो ओमवीर जी हो सोमा शंकर जी हो माँ गुरुजी को जो सुन लेता उसकी सटक जाती है। और जिस चीज की सटक गई है ना जी माँ गुरुजी चांदी चांदी हो गई है। और कईयों की अभी सटकी नहीं वो बिल्कुल एकदम साइंटिस्ट की तरह एक्चुअली अच्छा ये आपको मोटिवेट करने ओके अच्छा ये कौन सा डायलॉग बोलेंगे ये अच्छा ये लंबे वाले ज्यादा कूद रहे ओके अच्छा वो गोरे वाले क्या करेंगे वो फलाने क्या करेंगे वो पूरे साइंटिस्ट हैं ना उठेंगे ना बैठेंगे ना ताले हम होंगे नहीं मोटिवेट भाई साहब नुकसान आपका ये क्योंकि मैंने इससे पहले साइंटिस्ट को देखा है।